गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में हम जानेंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था। जिन प्यादरी का हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझ रहे, इसके अंतर्गत संवेदिकात्मक अवस्था हमने पहले समझ लिया था, अब हम जानेंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था की अवस्था क्या होती है। तो जिस तरीके से हमने जाना कि जिन प्यादरी ने अपने संज्ञानात्मक विकास को अवस्थाओं में विभाजित किया है, तो उन अवस्थाओं को हम समझ रहे हैं। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था को समझते हैं, इसका जो कार्यकाल होता है, इसकी जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष ये अवस्था चलती है। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों के अंदर बेहतर भाषाओं का विकास होता है, बच्चे अपने अंदर एक बेहतर लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हुए चलते हैं। तो हम इसको कहेंगे भाषा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था। यह बच्चों के अंदर भाषा कौशल का विकास करने के लिए एक प्रमुख अवस्था के रूप में माना जाता है। इसमें शब्दों की समझ पैदा होती है। बच्चों के अंदर वर्ड्स होते, शब्द होते, उनकी समझ पैदा होती है और शब्दों के माध्यम से बच्चों के अंदर बेहतर भाषाओं का विकास होता है। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को प्रकट करने वाले शब्दों में अंतर करने लगता है। बच्चों के अंदर क्या होता है, वस्तु तथा उसके संदर्भ, में प्रकट करने वाले शब्द उनके अंदर अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है, अंतर करने लग जाता है। चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर स्पष्ट होने लगता है। बालक जो चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, ठीक है ना, चिन्ह प्रतीकों में अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही बच्चों के अंदर विचार एवं कार्यों में गति आ जाती है। बच्चे के जो भी विचार होते हैं, बच्चे के जो भी कार्य है, उनके अंदर क्या आ जाती है, गति आ जाती है, वे आ जाता है, बच्चों के अंदर तीव्रता आ जाती है। तार्किक गणितीय क्षमता का विकास होता है। बच्चों के अंदर तार्किक गणितीय क्षमता का विकास होता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों में विचार क्षमता का विकास भी होता है, ठीक है। बच्चों के अंदर विचार करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, इसका विकास भी होता है। तो इस तरीके से हमने जाना पूर्व क्रियात्मक अवस्था के अंदर 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, भाषा इसमें मुख्यतः भाषा कौशल का विकास की अवस्था, शब्दों की समझ होती है, बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को प्रकट करने वाले शब्दों को अंतर करने लगता है, चिन्ह एवं प्रतीकों में अंतर स्पष्ट होने लगता है, विचार एवं कार्य में गति आ जाती है, ताकि गणित क्षमता का विकास होता है और बच्चों के कुल मिलाकर विचार क्षमताओं का भी विकास होता है। अब हम जानेंगे इस जो अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इसके व्यवहार, तो उसके व्यवहार को हम समझते हैं कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बालक जो है किस तरह के व्यवहार को प्रकट करता है, किस तरीके से करता है।
व्यवहार, इसके पहला व्यवहार है आत्म केंद्रिता, जिसके अंतर्गत स्व को केंद्र मानकर सभी क्रिया करना। बालक आत्म केंद्रित में क्या करता है, बालक स्व खुद को एक केंद्र मानकर, खुद को एक केंद्र बिंदु मानकर सारी क्रियाएं करना प्रारंभ करता है। तो यह है इसकी आत्म केंद्रिता। इसके बाद आ जाता है सेकंड श्रृंखलाबद्ध केंद्रविहीन चिंतन, श्रृंखलाबद्ध केंद्रविहीन चिंतन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत विचारों का केंद्रविहीन केंद्रविहीन होता है। बालक के मस्तिष्क में विचारों की, बालक के मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखलाएं बिना किसी बिंदु या केंद्र के बनती है। यह है श्रृंखलाबद्ध केंद्रहीन चिंतन, यानी केंद्र के बिना, मुख्य केंद्र के बिना। इसमें क्या होता है, इसके अंदर विचारों का केंद्रहीन होता है, विचार होते हैं वो बिना केंद्र के केंद्रहीन होता है। इसकी मतलब अर्थात बालक के मस्तिष्क में जो विचार की श्रृंखलाएं बनती है वो बिना किसी एक बिंदु या केंद्र के बनती है, विचारों की श्रृंखलाएं बनती रहती है। इसके बाद आ जाता है थर्ड नेक्स्ट खड़ा जाता है मानवीयकरण। मानवीयकरण में क्या होता है, इसका तात्पर्य निर्जीव वस्तुओं को, इसका तात्पर्य निजी वस्तुओं को मनुष्य के रूप में संबोधित करने से या व्यवहार करने है, मानवीयकरण। ठीक है, इसमें यह बताया गया है इसका तात्पर्य निर्जीव वस्तुओं को, जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनको मनुष्य के रूप में संबोधित करने से, व्यवहार करने से है। मनुष्य के रूप में उसको बच्चा संबोधित करता है या उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करता है। ठीक है, तो यह था मानवीयकरण को। अब जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, उसको दो उपभावों वाली दिया गया है।
क्रियात्मक अवस्था के दो उपभाग, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दो उपभाग। ठीक है, तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दो उपभाग क्या है जिसके माध्यम से इसको विभाजित किया गया है? सबसे पहला पहला आ जाता है पूर्व पूर्व संकलनात्मक कार्य, ये होता है दो से चार वर्ष। पूर्व संकलनात्मक कार्य, ठीक है, ये अवस्था दो से चार अवस्थाओं के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में दो वर्ष का बालक कार्य कारण स्थान तथा वस्तुओं के आपसी संबंधों को समझने लगता है। दो वर्ष का बालक क्या करता है? कार्य कारण, यानी कि कार्य का क्या कारण है, स्थान क्या होता है, साथ ही वस्तुओं के आपसी संबंधों को समझने लगता है, यानी वस्तु के साथ उसका क्या संबंध है इसके बारे में वो अपनी समझ विकसित करने लगता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता अनुकरण खेल पूर्व संकल्पना एवं भाषा विकास का प्रारंभ। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था की मुख्य विशेषता ये है, बच्चा अनुकरण खेल यानी अनुकरण के माध्यम से खेल सीखना, पूर्व संकल्पना का निर्माण करना और भाषाओं का विकास करना प्रारंभ करता है। किसमें? पूर्व संकल्पना काल में। इसके बाद जो सेकेंड आ जाता है, जो उसकी अवस्था है उपभाग, वो है अंत है प्रज्ञ चिंतन काल, जो कि है चार से सात वर्ष। अंत है प्रज्ञ चिंतन काल जो कि चार से सात वर्ष माना जाता है। इस अवस्था में बालक दो प्रकार की भाषा बोलता है। इस अवस्था में दो प्रकार की भाषा बोलता है, पहला है आत्मकेंद्रित भाषा और सेकेंड आ जाता है सामाजिक भाषा। पहली होती आत्मकेंद्रित भाषा और दूसरी होती सामाजिक भाषा। तो इस तरीके से हमने पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बारे में जाना, जो कि दो से सात वर्ष की अवधि या अवस्था तक अभी तक माना जाता है। अब इससे रिगार्डिंग
आज का आपका असाइनमेंट है पूर्व क्रियात्मक अवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो जिन भी आगे की पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है, तो इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। कोविड समय में स्वच्छ समझते हुए घर रहना, सुरक्षित रहना है और कोरोना के खिलाफ अपने आपको स्वस्थ और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और इसके लिए जो इसकी गाइडलाइन है इसका सख्ती से पालन करना है और अपने आपको वैक्सीन अवश्य लगवानी है। थैंक यू।